गाइज, मैंने आज अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 किलो अरबी ली है और लहसुन भी साइड में रखा है और अदरक भी रखी हुई है। ये अदरक और लहसुन है। सबसे पहले मैंने इसको काट के अच्छी तरह धो लिया, इसके छिलके निकाल के, और मैं इसको कुकर में उबालने के लिए रख रही थी। तो ये मेरे से ऐसे डल नहीं रहे थे, मैं क्योंकि मैं वीडियो भी शूट कर रही थी साथ साथ में। तो गाइज, अब मैं इसको कुकर में उबालने के लिए डाल रही हूँ। तो आपको मेरी ये वाली रेसिपी की अरबी की सब्ज़ी पहाड़ी वाली, तो ये बाज़ार में फ्रेश फ्रेश आई थी, तो ये लेके आई हूँ। जैसे सीजन अरबी का शुरू हुआ तो इसको हम ऐसे बनाते हैं उबाल कर, और दूसरी जो वाली पुरानी होती है वो हम फ्राई करके बनाते हैं। तो मैं इसको ऐसे उबाल कर बना रही हूँ अच्छी तरह, इसके छिलके निकाल कर। अब मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। मैंने इसमें ऑयल डाला और लहसुन और अदरक डाल दिया। अब मैं इसमें, जब ये अदरक और लहसुन पक जाएगा तो मैं थोड़ा सा देर बाद आप प्याज भी इसमें डालूंगी, प्याज को और दोनों को सबको। जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तो उसको ऐसे ही पकाते रहे हैं। गाइज, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और ये जल्दी से बन जाती है ऐसे सब्जी। और मैं कुकर में सब्जी रख दी, इसमें 3 सीटी आई और सब्जी वो तैयार होगी, उबल गई। अब मैंने इसमें 1 चम्मच नमक का डाला। थोड़ी सी मिर्च, क्योंकि हम मिर्च नहीं खाते ज़्यादा। और ये मैंने धनिया पाउडर डाला। और हल्दी डाल दी 1 चम्मच। ये मैंने किचन किंग वाला मसाला होता है वो डाला। और ये गाइस बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। ये वाला तरीका मेरे को बहुत ही बेस्ट लगा। बहुत सारे तरीके होते हैं इसके, पर मैंने ये ऐसे बनाई है तो मेरे को बहुत अच्छा भी लगा, और मैं ऐसे ही बनाती हूँ इसको। अब मैं इसमें उबली हुई अरबी डाल रही हूँ। मेरे पास हरा धनिया नहीं था। और अब मैंने इसमें लास्ट में जीरा भूनकर पीसकर पाउडर बनाकर उसको इसमें डाला, और बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी ये आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और मेरे चैनल को न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ मुझे बताएं।